नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एपी ड्राइंग 2.0। तो दोस्तों, अगर आपको लायन का चित्र बनाना नहीं आता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से एक बड़े सर्किल और दो छोटे छोटे सर्किल की हेल्प से लायन का चित्र बनाना सिखाएंगे। दोस्तों, बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यह हमारे हाथ में 25 पैसे का एक सिक्का है, इसकी हेल्प से हम छोटे छोटे सर्किल बना देंगे। यहाँ पे हमने एक ऑलरेडी सर्किल बनाया है बड़ा सा। अब देखिएगा दोस्तों, आपको एक स्केल की भी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से आप एक यहाँ पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। एक सीधी वर्टिकल लाइन आप ऐसे ड्रॉ करिएगा बीच से। फिर इसके बाद दोस्तों, आपको एक हॉरिजेंटल लाइन भी यहां पर ऐसे ड्रॉ करना होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आपका कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब देखिएगा, यहां तक हो जाने के बाद अब आपको इस सिक्के का यूज करना है। अगर सिक्का नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप गोला प्रकार का भी यूज कर सकते हैं। यहां पर इस वाली जो हमारा ये वर्टिकल लाइन है, इसकी टच करते हुए एक आप ऐसे सर्किल ड्रॉ कर दीजिएगा। एक सर्किल यहां पर ड्रॉ करना होगा। फिर इसके बाद दोस्तों, इसी को टच करते हुए एक सर्किल और ड्रॉ कर दीजिएगा। जिस तरह आप इस साइड ड्रॉ करेंगे, इधर भी आप इसी सेम प्रोसेस रिपीट कर दीजिएगा दोस्तों। यहां तक हो जाने के बाद अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको करना क्या है, नीचे की तरफ एक छोटी सी लाइन आप यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। पेंसिल की हेल्प से ही बनाइएगा। फिर इसके बाद अब आपको यहां से ऊपर की तरफ कैसे ले जाना है लाइन, इसको ध्यान से देखिए। यहां पे एक छोटा सा पॉइंट लगाइएगा, एक पॉइंट हम इस साइड लगा देंगे। इसकी हेल्प से आपको ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना होगा। इसको हम पेंसिल से यहाँ मिला देंगे। फिर इसके बाद दोस्तों, हम इसको भी ऐसे नीचे की तरफ मिला देंगे। अब हम यहाँ पर मार्कर का यूज करेंगे क्योंकि पेंसिल की हेल्प से आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा दोस्तों। तो देखिएगा, इसको हम ऐसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इधर भी आप ऐसे ऊपर की तरफ ले जाइएगा। ये हो गया हमारा। फिर इसको हम यहाँ से ऐसे मिला देंगे। और दोस्तों, अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप वहाँ पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, आपको ये जो हमारा ये दोनों सर्किल बनाए थे, इसके बीच में आपको एक छोटा सा यहाँ पर गैप दिख रहा होगा। इसकी हेल्प से आप एक पतला सा यहाँ पर यू लेटर लिख दीजिएगा। यू लेटर लिखने के बाद एक हाफ सर्किल इधर बनाइएगा, एक हाफ सर्किल आप इस साइड बना दीजिएगा। इसको अंदर की तरफ करने के बाद यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ कर दीजिए। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे हल्का सा अंदर की तरफ हाफ सर्किल बनाते वक्त इसको ऊपर की तरफ कर दीजिएगा। एक छोटा सा यहाँ पर ऐसे पॉइंट लगाइए, एक यहाँ पर ऐसे पॉइंट लगाकर इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद दोस्तों, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप ऐसे इसको टच मत करिएगा। पेंसिल की हेल्प से आप बना रहे हैं तो इसको आप ऐसे टच करते हुए यहाँ पर ऐसे ले जाइएगा। फिर यहाँ पर लाकर आप ऐसे एक पॉइंट लगा दीजिए। इसी तरह आप यहाँ पे भी एक छोटा सा पॉइंट लगा दीजिएगा। इस पॉइंट की हेल्प से आपको करना क्या है, यहाँ पे ऊपर की तरफ ले जाना होगा, फिर नीचे की तरफ ले जाइएगा और इसको टच करते हुए एक इस लाइन का आई बना दीजिए। इसी तरह सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। यहाँ पे ऐसे करिए, फिर इसको नीचे टच करते हुए आप यहाँ पे ऐसे मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लगा दीजिएगा, एक पॉइंट यहाँ पे हम लगा देंगे और छोटा सा सर्किल इधर ड्रॉ कर दीजिए। एक छोटा सा हाफ सर्किल हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे आईब्रो बनाइए। इस लाइन का यहाँ पे भी आप ऐसे आईब्रो बना दीजिएगा। आईब्रो बनाने के बाद अब आपको यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको ऐसे नीचे की तरफ ले जाना होगा। एक छोटा सा हाफ सर्किल, एक हाफ सर्किल आप इधर ले जाइएगा और इसको हमें ऐसे घुमा देना होगा। इधर भी आप ऐसे घुमा दीजिएगा अंदर की तरफ। आप इसको भी ऐसे हल्का सा डार्क कर दीजिए दोस्तों, यहाँ पे भी डार्क कर दीजिएगा और इसको भी हम पेंसिल की हेल्प से पूरा डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद एक छोटा सा यहाँ पर हाफ सर्किल बना दीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको ऐसे इसको डार्क करते हुए अंदर की तरफ ले जाना होगा। इधर से भी आप ऐसे अंदर की तरफ कर दीजिएगा। अंदर की तरफ करने के बाद ऊपर वाला हिस्सा भी आप इसको ऐसे डार्क कर दीजिएगा। डार्क करने के बाद दोस्तों, अब हम देखिएगा, इस साइड एक ऐसे मार्कर की हेल्प से, पेंसिल की हेल्प से हाफ सर्किल बनाइए, एक इधर बना दीजिएगा। इधर भी आप ऐसे नीचे की तरफ कर दीजिए और इधर भी हम ऐसे कर देंगे। एक इधर कर दीजिए, एक छोटी सी लाइन इधर ड्रॉ कर दीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, अब हम पेंसिल या मार्कर की हेल्प से चलिए इसको पूरा शेड करना शुरू करते हैं।